हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बस आज मैं आप लोगों के लिए अपने शॉपिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मेरे पापा की जो है रिटायरमेंट है जनवरी में, और साथ में ही जो है उनकी रिटायरमेंट पार्टी होने वाली है। तो उसी के लिए ना काफ़ी सारी मैंने जो है शॉपिंग कर ली है। तो बस मेरी शॉपिंग लगभग जो है कंप्लीट हो गई है, और साथ में ही निकू टिकू का बर्थडे है। सो बहुत सारी शॉपिंग की है। पहले मैंने विंटर में इतनी शॉपिंग नहीं की है, पहली बार जो है ना सर्दियों में इतनी सारी शॉपिंग की है, क्योंकि मुझे जाना है मायके। और साथ में ही जो है मैंने इस बार हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, सभी के लिए पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी डिसाइड नहीं है कि मेरे पापा के रिटायरमेंट पार्टी होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी चल रहा है कोरोना। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है, पर हाँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने जो है ना पहले से ही सारी तैयारी कर ली है, क्योंकि अब जो है मैं ग्वालियर चली जाऊंगी, तो मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। तो इसीलिए जो है ना मैंने सारी शॉपिंग कर ली है। और साथ में ही आप लोग सोच रहे होंगे मैं मायके कब जाने वाली हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि थोड़े बहुत काम है, तो बस वो हमारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं अपने मायके जाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो है इस बार रिलायंस ट्रेंड से क्या क्या लिया है। तो मैंने जो है ना सभी के लिए जैकेट ली है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने एक ये जैकेट ली है। सो ये ब्लैक कलर की जैकेट है, और साथ में ही हाफ स्लीव्स की है। तो निकू के पास जो है ना फुल जैकेट काफ़ी है, पर हाफ नहीं थी, तो बस इस बार जो है ना मैंने हाफ ले ली है। और इसका सच बताऊँ मटेरियल बिल्कुल अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, साथ में ही ये कैप दिया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं DNMX की है, ये 999 की है, और साथ में ही 11 से 12 साल की है। और इस पर जो है ना 30% ऑफ चल रहा था, तो ये जो है ना 700 रुपये में पड़ी है। और इसका मटेरियल जो है ये निकू के लिए लिया है। और इसके बाद आपको दिखा देती हूँ एक जैकेट मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, सोच रहे थे तो इस बार जो है ना मैंने इसे ऑनलाइन मंगा लिया है। पर इसका कलर मैंने डार्क इसीलिए लिया है क्योंकि हस्बैंड का जो है ना टूरिंग जॉब है, तो बस उनके कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, तो विंटर में भी जो है उन्हें डेली स्वेटर या जैकेट चेंज करने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा डार्क कलर मंगाया है, जिससे कि ये 2 दिन तो चल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्लास की है, और ये 799 की है। और साथ में यहाँ पर एक मैंने ये रेड कलर की जैकेट ली है, तो ये भी जो है मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है आजियो से, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर की है, साथ में इसकी स्लीव्स ऐसी हैं, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। और ये भी जो है ना फर्स्ट क्लास कंपनी की है। तो ये वाली जैकेट तो मेरे हस्बैंड ने पहन ली है, तो इसका टैग नहीं है, पर ये जो है ना 999 की थी, और इसका भी मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक जैकेट मैंने ये लिया है, तो मेरे हस्बैंड को इस टाइप का जैकेट काफ़ी टाइम से चाहिए था, और ये ना हमें मिल नहीं रहा था, पर इस टाइम जो है हमें स्टोर पर मिल गया है। सो बस ये काफ़ी अच्छा है। और साथ में ही आप देख सकते हैं ये DNMX का है, और इसकी प्राइस ना 3999 है। क्वालिटी और मटेरियल बहुत अच्छा है, और ये जो है मैंने पापा की पार्टी में ही पहनने के लिए लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कुछ मैंने ये लिया है। सो इसके अंदर है मेरी जैकेट, तो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार का बैग भी आता है, उसे कैरी करके रख सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से इसमें सारी जैकेट आ गई है। तो यहाँ पर तो बस एक जैकेट मैंने अपने लिए ये लिया है, और मैंने फर्स्ट टाइम जैकेट लिया है, मैंने अभी तक अपने लिए कोई भी जैकेट नहीं लिया था। मैं स्वेटर या प्लोअर ही पहनती हूँ, पर फर्स्ट टाइम जो है ना जैकेट लेकर आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने ही दिलाया है, क्योंकि अभी जो है हमें बस या ट्रेन में सफ़र करना पड़ेगा, और अभी अच्छी खासी जो है ना सर्दी भी पड़ने वाली है, तो बस इसलिए लिया है। और इसका मटेरियल ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और साथ में ही मैं आपको दिखा देती हूँ ये जैकेट जो है ना 1499 का है,
मैंने तीन कुर्ते भी लिए हैं जियो से, तो मैंने ये कुर्ते जो है ना ऑनलाइन ही मंगाए हैं, तो मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये मैंने ऑरेंज कलर का कुर्ता मंगाया है और ये प्योर कॉटन का है। सबसे ज्यादा जो है ना मुझे इसका कलर प्यारा लग रहा है। और ये जो है ना आवासा ब्रांड का है, साथ में ही मैंने ये एक्सल साइज में मंगाए हैं, तो बस ये हल्के से लूज हैं तो इनकी मैं फिटिंग कर लूंगी। और साथ में ये ना 499 का है, मैंने ये मंगाया है। सो ये मरून कलर का कुर्ता है और ये तीनों कुर्ते सेम ही ब्रांड के हैं, तो ये भी ना पहनने पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सभी कुर्तों पे जो है स्किन कलर की लेगी ही जाएगी। सो बस एक ये रेड कलर का कुर्ता है, साथ में ही कुछ इस प्रकार से इसकी स्लीव्स हैं, तो सारे कुर्तों की स्लीव जो है 3/4 है। और ये भी जो है लीवा ब्रांड का है और इसकी भी रेट जो है ना 499 है। टाइम के बाद ना मैंने अपने लिए पिंक कलर का कुर्ता मंगाया, तो काफी टाइम से जो है मैंने पिंक कलर नहीं पहना था और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। सो कितना प्यारा लग रहा है, तो एक मैंने ये पिंक कलर का कुर्ता लिया है और ये भी सेम ही ब्रांड का है और इसकी स्लीव्स भी 3/4 है। बाद में आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ मैंने जो है गणेश कैप मार्ट से शॉपिंग की है, तो इन गणेश कैप मार्ट से भी शॉपिंग की है, तो जो भी इंदौर में रहते होंगे उन्हें पता ही होगा गणेश कैप मार्ट के कपड़े काफी अच्छे निकलते हैं। सो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने वहां से की है। सो यहाँ पर जे मैंने टिकू के लिए सॉक्स लिए हैं, तो ये थोड़े से मोटे वाले सॉक्स है और ये कॉटन के हैं, तो इसमें दो जोड़ी हैं, तो ये सॉक्स जो है ना 50 रुपए के दो जोड़ी सॉक्स हैं। और कलर मैंने इसीलिए डार्क लिया है क्योंकि जो है ना नीचे ही चलते हैं तो काफी गंदे हो जाते हैं। सो ये सॉक्स लिए हैं, एक पेयर सॉक्स मैंने लिए हैं, तो ये भी जो है ना मोटे वाले सॉक्स है और ये भी जो है उन्होंने 50 रुपए में ही लिए हैं। दिखा देती हूँ, एक जैकेट हमने टिक्कू के लिए लिए है, तो पूरी फैमिली के लिए ना इस बार जैकेट लेकर आई हूँ मैं। सो बस टिक्कू के लिए थोड़ी सी कलरफुल जैकेट ली है, गणेश कैप मार्ट से ली है। सो ये ऑरेंज और ब्लू कलर की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्टून वाले स्टीकर बने हुए हैं और ये काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल की है। सो बस एक ये टिक्कू की जगह आप देख सकते हैं सिर्फ 350 रुपए की है। तो बस गणेश के कपड़ों का प्राइस काफी अच्छा होता है। टिक्कू के लिए एक मैंने ये गरम स्वेटर का सेट लिया है, सो ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और ये लाइट पिंक कलर का है और साथ में ही इसमें ये पजामी दी हुई है। ये कुछ ऐसा सेट है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का है, बच्चों के हिसाब से ही बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो है मैंने लिया है 275 का। सो बस एक टिक्कू के लिए हमने ये लिया है और इसके बाद एक मैंने टिक्कू के लिए ये लिया है, तो निक्कू के पास तो था तो दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करते थे। सो बस एक ये ना टिक्कू के लिए लेकर आई हूँ और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है स्पाइडर मैन का और ये सिर्फ ना 75 रुपए का ही है। तो बस ऐसे लगाते, अब इसमें ठंडी बस्ती है नहीं बस्ती पता नहीं, पर ये ना काफ़ी चलते हैं आजकल, बच्चे वगैरह जो है ना स्कूल वगैरह यही ला कर जाते हैं हेडफोन। हाँ सो इनको हेडफोन कहा जाता है और बच्चे वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो बस एक ही हमने ले लिया है। मैंने अपने लिए दो लोवर लिए हैं, सो ये भी जो है ना मैंने गणेश कैप मार्ट से ही लिए हैं और ये काफ़ी अच्छे मोटे वाले लोवर हैं। तो एक मैंने ये कलर लिया है ब्लू और साथ में ही एक मैंने ये वाला लिया है। सो ये दो लोवर लिए हैं और ग्वालियर में काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पर तो जो है लेगी वगैरह ऐसे काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने वहाँ के लिए थोड़े से ये गरम लोवर लिए हैं। और ये लोवर जो है मैंने, इनका प्राइस आप देख सकते हैं 275 है, तो दोनों जो है ना मैंने 275 के लिए हैं
और ये काफ़ी अच्छे और कंफर्टेबल हैं और साथ में इनमें सर्दी भी नहीं लगेगी। टिक्कू के सारे कपड़े आ गए थे पर निक्कू के लिए जींस नहीं ली थी, सो बस एक ये जो है जींस लेकर आई हूँ गणेश कैप मार्ट से, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, साथ में स्ट्रेचेबल है और इसमें बेल्ट भी आया है। और रेट भी ना देख सकते हैं 450 की है। सो बस एक ये स्काई ब्लू कलर की जींस ली है जो कि निक्कू के ब्लेजर के संग काफ़ी अच्छे से मैच जाएगी। सच बताऊं तो अभी बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से मैं जो है ना ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आने की। और मेरी जो है ग्वालियर जाने की सारी शॉपिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, और साथ में पापा की रिटायरमेंट पार्टी के लिए हस्बैंड और बच्चों के लिए तो मैंने शॉपिंग कर ली है, बस मेरी ही थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है जो कि मैं वहीं जाकर करूँगी। इस करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये शॉपिंग कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।